फोटोग्राफर है जो ज्वाइन करता है माया की कंपनी को पर बहुत जल्द वो माया का ऑब्सेशन बन जाता है और अर्जुन को पाने के लिए माया हर एक चाल चलती है माया के रास्ते का सबसे बड़ा काटा है अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड सांझ जो अर्जुन से एक तरफा प्यार करती है अब अर्जुन इन दोनों में से किसे चुनेगा और माया अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाएगी ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये शो आपको काजोल की मूवी गुप्त की याद दिला देगा और माया का रोल आई डोंट जेनिफर की बेटर कोई और कर पाती इस शो को कई एक्ट्रेसेस ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया कि कहीं माया का नेगेटिव रोल उनकी पॉजिटिव इमेज को खराब ना कर दे और इसलिए इसे जेनिफर की एक बड़ी गलती भी माना जा रहा था पर जब जेनिफर की एक्टिंग का जादू चला सबकी बोलती बंद हो गई और नेगेटिव रोल होने के बावजूद रातों रात उनकी फैन फॉलोइंग आसमान छू गई माया की नेगेटिव एक्टिंग इतनी दमदार थी कि शो की गुड गर्ल को फैंस क्रिटिसाइज करने लगे वैसे तो ये एक लव ट्रायंगल था बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा माया ही रही अपने रोल के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले पर अफसोस इसका सेकेंड सीजन फैंस का प्यार नहीं पा सका और जल्द ही बंद हो गया पर फिर भी आज भी फैंस को इसके थर्ड सीजन का और माया का वेट है ये शो आप यूट्यूब और सोनी लिव पे देख सकते हैं तो आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं हमें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा